वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए आपके पास अच्छा वक्त लाने के लिए। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जीवन दर्पण कहानियाज में। आज मैं सुनाती हूँ एक युवक और साधु की कहानी। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसे सफलता मिल ही नहीं रही थी। वह निराश होकर जंगल में गया आत्महत्या करने। वह जैसे ही आत्महत्या करने ही गया था कि अचानक एक संत प्रकट हो गए। संत ने युवक से पूछा, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। मैं आत्महत्या करने अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। संत ने उस युवक से पूछा, बेटा तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, पिछले 3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे ना तो कोई नौकरी मिल रही है और ना ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो पा रहा हूँ। फिर संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे, कुछ दिन और प्रयास कर लो, निराश क्यों होते हो? युवक ने कहा, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब संत ने उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा कि ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक आम का। आम वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आई और आम का पौधा 1 साल में काफी बड़ा भी हो गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ, ना एक पत्ता निकला ना वो बड़ा हुआ। ईश्वर निराश नहीं हुए। दूसरे वर्ष भी बांस के पौधे में कुछ नहीं निकला और आम का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर निराश नहीं दिखाई दिए। तीसरे साल और इसी तरह चौथे साल भी बांस का पेड़ वैसा ही रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आम का पौधा पेड़ बन गया था, उसमें अब फल भी लगने लगे थे। फिर भी ईश्वर निराश नहीं हुए। इसके कुछ दिनों बाद बांस का पौधा फूटा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ें मजबूत करने में 4-5 साल लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और निराश बिल्कुल ना हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आप खूब सफल होंगे, फलेंगे फूलेंगे। और आप अपनी तुलना किसी और से ना करें, आत्मविश्वास न खोए। समय आने पर आप भी बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे और सफलता की बुलंदियों में पहुंच जाओगे। Never lose hope and never give up or quit. Success will come to you sooner or later.